हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन पर है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को कवर किया। हमने देखा कि आपका जो वर्टिब्रेट में फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से होता है, और आपका जो भी फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है, गैमीट ट्रांसफर, बैरियर पेनिट्रेशन, एग स्पर्म फ्यूजन, कैपेसिटाइजेशन, इन सारे प्रोसेस को हम लोगों ने सीरियली डिटेल में पढ़ा। तो अब आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आपका जाइगोट में क्लीवेज होगा, और क्लीवेज की जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी ब्लास्टुलेशन कहलाती है। इसको आज के वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें इसकी डिफिनीशन। तो आपको एक एग्जाम में जहाँ पे आपको अपनी बात को बिल्कुल कम शब्दों में सटीक लिखना है, वहाँ पे आपको डिफिनीशन बहुत मायने हो जाती है कि हम वर्डिंग्स में क्या लिखें। सो हम देखेंगे आपका क्लीवेज द सीरीज ऑफ सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन की सीरीज जो कि आपकी कंटिन्यूसली होती है, दैट ट्रांसफॉर्म अ सिंगल सेल, और हम बात करें फर्टिलाइज्ड एग इंटू ए मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एक सिंगल जाइगोट को या बात करें एक सिंगल सेल को मल्टी सेलुलर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कन्वर्ट कर देगा, तो ये प्रोसेस आपका क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, या हम इस प्रोसेस को आपका बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी ब्लास्टुला कहलाती है। ठीक है, जो कि एक कंटिन्यूअस सेल डिवीजन के बाद, एम्ब्रियो में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन के बाद जो आपकी स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज बनेगी उसको हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं, और ब्लास्टुला का बनना ही आपका क्लीवेज कहलाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफिनीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी एग्जाम्स, कि आप इस लाइन को बिल्कुल हुबहू लिखें कि अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन दैट ट्रांसफॉर्म अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड दैट एम्ब्रियोनिक स्टेज इज ब्लास्टुला, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज। और आफ्टर क्लीवेज जो भी आपकी मल्टी सेलुलर सेल बनी है, दैट सेल्स दैट रिजल्टिंग सेल आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर, और उस रिजल्टिंग सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो कमिंग वीडियो में जब हम आपको चिक का, फ्रॉग का डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये सारे वर्ड यूज होंगे, ब्लास्टुला, गैस्टुलेशन, ब्लास्टोमियर्स, तो वहाँ पे हमको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आप इसको यहाँ पे डिटेल में देखते चलिए। तो आपका ब्लास्टुला यानी क्लीवेज के बाद आपकी जो सेल्स बनी उसको हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ेंगे कि माइटोसिस में आपके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये आपके वन लाइनर एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और साथ ही आपको जब रिटर्न एग्जाम है वहाँ पे, तो ये सारी बातें आपको क्लीवेज में लिखनी ही लिखनी है। तो सबसे पहली लाइन है आपकी कि इन क्लीवेज ऑल डिवीजन आर माइटोटिक। ठीक है, तो क्लीवेज में आपका जो भी डिवीजन होगा वो हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है, क्योंकि आपका अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, एन इन नंबर एग में, एन इन नंबर आपका स्पर्म में, दोनों फ्यूज होकर के टू एन इन नंबर हो गए हैं। अब आपका जो इम्ब्रियो है वो क्लीवेज करके मल्टी सेलुलर स्टेज में आएगा, मीन्स वहां पे सोमैटिक सेल में डिवीजन हो रहा है, इसीलिए आपका ये डिवीजन माइटोटिक डिवीजन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नो ग्रोथ ड्यूरिंग क्लीवेज। तो क्लीवेज के दौरान आपके इम्ब्रियो में, ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज तक, जब तक आपका एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज में है, मीन्स क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोमियर बनने के समय में, आपके नो ग्रोथ ड्यूरिंग क्लीवेज रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो जब आपका ब्लास्टुला हुआ, जब आपका एम्ब्रियो ब्लास्टुला में कन्वर्ट हुआ, ब्लास्टोमियर्स बने, तब तक वहां पर अभी सेल डिवीजन तो हो रहा है बट ग्रोथ नहीं हो रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन कि आपके ब्लास्टोमियर में ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, या ब्लास्टुला बनने के दौरान ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। तो कोई यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, एंड सेल कंटिन्यूअसली डिमिनिश इन साइज। ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे सेल होती है वो कंटिन्यूअसली साइज में छोटी होती जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आपका कि जो भी सपोज ये कोई जाइगोट है आपका जो कि टू एन इन नंबर है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल डिवीजन के बाद आपका कंप्लीट आपका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो रही है, बट धीरे धीरे जो आपके साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है. नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ इम्ब्रियो नॉट चेंज. तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो इम्ब्रियो का शेप है वो अभी चेंज नहीं हुआ है. तो यहाँ पे अगर ये कुछ सेल के राउंड फॉर्म में अगर आपका इम्ब्रियो था, गोलाई में अगर हम बात करेंगे, गोल शेप में था, तो इस तरीके से देखेंगे आपका यहाँ पे अभी सेल के डिवीजन होते जा रहे हैं, एक सेल से सेल बढ़ती जा रही है, बट उनका साइज और बात करें शेप अभी भी बिल्कुल एक जैसा बराबर है. तो नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे, बट फॉर्मेशन ऑफ ए कैविटी Among the cleaving cell is called blastocoel. तो जहाँ पर भी आप एक बिल्कुल नॉर्मल से बात करिए कि अगर आप एक सेब को इस तरीके से चाकू से कट करेंगे, सपोज आपने एक सेब लिया हुआ है, आप चाकू से इसको कट कर रहे हैं, आप उसमें सेब के साइज में कोई जो है परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, मीन सेब के साइज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बट जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे कट करने पर जब भी आप चाकू को उठाएंगे तो बीच में एक स्पेस आपका ऑटोमेटिक बनता जाएगा. सो यहाँ पर भी आपका क्या है कि क्लीविंग सेल्स, जो सेल क्लीव हो करके एक दूसरे क्लीव होने के बाद एक दूसरे से सट करके अरेंज हो रही हैं, उनके बीच में एक स्पेस बन रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड ब्लास्टोसील. नेक्स्ट बात करें तो ग्रेट इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. तो आपका यहाँ पे क्योंकि लगातार सेल डिवीजन हो रहा है, आपका जो 2n नंबर क्रोमोसोम है उसको डबल होना जरूरी है, तभी बिल्कुल इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है. नेक्स्ट बात करें तो द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इज लो इन बिगिनिंग. तो शुरुआत में जब आपका ब्लास्टुलेशन मीन्स क्लीवेज हो रहा है तो शुरुआत में आपका जो न्यू साइज है इम्ब्रियो का वो नहीं बढ़ता है, कोई ग्रोथ नहीं होती है. तो बात करेंगे हम कि न्यूक्लियस का तो से जो साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो यहाँ पे काफी लो हो गया है. एंड लास्ट, ऑक्सीजन कंजप्शन शुड बी इंक्रीज्ड. तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आपको पता है लगातार सेल डिवीजन हो रही है, तो लगातार यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो नेक्स्ट हम लोग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की बात करेंगे. तो प्लेन ऑफ क्लीवेज का मतलब कि आपका ये कोई एग है तो उससे जो आपका फरो मीन्स आपका जो क्लीवेज हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, क्या वो आपका इक्वल हो रहा है. और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो ये एग होता है उसका वो पोल जहाँ पे आपका न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है और एक पोल आपका जहाँ पे साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे आपका न्यूक्लियस सिचुएटेड होगा वो आपका एनिमल पोल कहलाएगा, और जहाँ पे आपका जो है साइटोप्लाज्म का सिचुएटेड होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो आपका पोल जो है वो वेजिटल पोल कहलाएगा. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लीवेज फरो बाइसेक्ट बोथ द पोल. ठीक है, ये बात बहुत याद अच्छे से याद रखिएगा कि मेरिडियोनल में आपका मेरिडियोनल प्लेन में जो आपका क्लीवेज फरो होता है वो आपके एग को पूरी तरीके से बाइसेक्ट करता है दोनों पोल्स को एंड पासिंग थ्रू द वेजिटल एक्सिस. ठीक है, और ये बिल्कुल बीचों बीच मीडियन एक्सिस से पास होता है, एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक पहुँचता है. तो इस फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग, और आपका पहला क्लीवेज चिक में, चिक के एग में पहला क्लीवेज जो आपका होगा वो भी आपका मेरिडियोनल प्लेन होता है. तो बहुत सारे एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में पूछ लेता है आपका कि फ्रॉग का पहला दूसरा क्लीवेज कौन सा होगा, फॉलोइंग में आप टिक करिए. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट हम लोग वर्टिकल प्लेन की बात करें तो वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल का मतलब ही आपका होता है कि बिल्कुल इस तरीके से लंबाई, एग है आपका तो लंबाई में, बट वर्टिकल प्लेन में आपका जो क्लीवेज फरो होगा वो आपके जो है वेजिटल पोल तक पास करेगा, बट ये मीडियन एक्सिस से जो है पास नहीं करता है, एग में कहीं साइड से निकल जाता है. ठीक है, बिल्कुल मीडियन एक्सिस पर ये नहीं जाएगा क्लीवेज फरो इन वर्टिकल प्लेन. तो इसका एग्जाम्पल है आपका एमिया फिश में थर्ड क्लीवेज, एग्जाम्पल है आपका लेपिडोस्टियस और आपका कुछ चिक में. तो चिक में भी आपका जो प्लेन होता है वो वर्टिकल प्लेन से कट होता है. तो नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका इक्विटोरियल प्लेन. तो नाम से ही पता चल रहा है इक्विटोरियल,
मतलब इक्वल आपका जो यहाँ पे डिवीजन होगा, तो दिस प्लेन ऑफ क्लीवेज बाइसेक्ट द एग एट राइट एंगल. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, क्योंकि राइट एंगल में आपके इस तरीके से 90 डिग्री के कोण बना करके एग को ये कट करेगा आपका जो ये क्लीवेज होगा इक्वेटोरियल क्लीवेज. दिस प्लेन क्लीवेज बाइसेक्ट द एग एट राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस एंड हाफ वे. ठीक है, और ये केवल आपका आधे आधे में ही जाएगा. मीन्स आपका इधर अगर एनिमल एक्सिस एनिमल पोल है, इधर वेजिटल पोल है, तो हाफ वे बिटवीन द एनिमल एंड वेजिटल पोल. अगला है आपका ट्रांसवर्स, और हम लोग इसको हॉरिजेंटल भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हम बात करें जो आपका हॉरिजेंटल मीन्स इस तरीके से अब हाफ, ठीक है, मीन्स आपको हॉरिजेंटली डिवाइड करना है. बट यहाँ पे क्या होगा कि क्लीवेज फरो जो होगा वो भी एग को दो भागों में बाइसेक्ट करेगा. बट जो आपकी क्लीवेज फरो होगी या तो वो एनिमल पोल के तरफ के पास से गुजरेगी, या हम बात करें आपके वेजिटल पोल के पास से जो है क्लीवेज फरो पास होगी इन ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ क्लीवेज में. तो इस तरीके का क्लीवेज आपका थर्ड क्लीवेज ऑफ एम्फियोक्सिस फ्रॉग. तो फ्रॉग में पहला और दूसरा क्लीवेज हम लोगों ने देखा था मेरिडोनियल था, और तीसरा क्लीवेज जो होगा वो आपका ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल होगा. तो हम लोग बात करेंगे आपका नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्लीवेज में. तो आपका क्लीवेज जो फरो है वो ऐसे ही रेंडमली एग को कहीं से भी जो है कट नहीं कर देगा. जबकि हर स्पीसीज में हम बात करें आपके जितने भी क्लासेस होती हैं, जितने भी एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट फाइलम क्लासेस हैं, सब में जो क्लीवेज के फरो का स्टाइल है, ठीक है, जो पैटर्न है वो प्री डिसाइडेड होता है. मीन्स वो एक मैनर में होता है, ठीक है, एंड दैट मैनर इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ क्लीवेज. ठीक है, तो आपका जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज है वो एनिमल की सिमेट्री को भी डिनोट करता है. ठीक, तो हम लोगों ने सिमेट्री वाले वीडियो में देखा था कि हमारी फोर टाइप की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री, देन आपका स्पाइरल एंड बाइलेट्रल. तो पहला हम लोग इसी तरीके से सेम पैटर्न ऑफ क्लीवेज में पहला हम लोग देखेंगे आपका रेडियल क्लीवेज. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो भी क्लीवेज हो रहा है मीन्स ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑल द ब्लास्टोमियर आर प्लेस्ड इन ए रेडियल सिमेट्रिकल फैशन. ठीक है, अराउंड ए एक्सिस. तो सपोज ये आपका कोई एग है, बीच में आप इस तरीके से इसको एक्सिस मानिए जो इसके बीचों बीच होकर गुजरेगी. तो जब भी यहाँ पे क्लीवेज होगा तो इक्वल सेल, ठीक है, चारों जो ब्लास्टोमियर होंगे वो आपके बिल्कुल इक्वल दिखे. किसी भी ब्लास्टोमियर को आप उठा करके देखिए तो वो बिल्कुल सबके इक्वल सेफ एंड साइज में हो. तो आपके रेडियल सिमेट्री में भी यही होता है कि हम किसी भी एनिमल में सेंटर ऑफ एक्सिस से कोई फरो पास करें. ठीक है, सपोज अगर मेरे सेंटर ऑफ एक्सिस से आप कोई फरो पास करिए, वो चाहे इस तरीके से बिल्कुल ये सीधे में, चाहे आप इस तरीके से इधर से भी आप अगर कट करिए एनिमल को, वो बिल्कुल इक्वल टू हाफ पार्ट में अगर डिवाइड होता है, तो इस तरीके के फैशन को हम लोग रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी आप इसमें से सेल को उठा करके देख लीजिए, सारी सेल्स आपस में बिल्कुल इक्वल जो है दिखेंगी. ठीक है, तो इस तरीके का चारों का आपस में जो है एक एक्सिस के चारों तरफ अराउंड होकर के रहना आपका रेडियल क्लीवेज कहलाता है. तो ये आपका स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, सी अर्चिन, सी कुकम्बर और एम्फियोक्सिस में पाया जाता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायरेडियल. तो बायरेडियल क्लीवेज आपका एक बहुत ही खूबसूरत जो है टीनोफोरा में, ओनली टीनोफोरा में पाया जाने वाला ये आपका सिमेट्री है. अगर हम बात करें तो बरोई में ये पाई जाती है टीनोफोरा आपका. तो टीनोफोरा को हम लोग कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं. ठीक है, मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनके पास, जिनकी बॉडी में इस तरीके से एट प्लेट पाई जाए जो कि आपको कंघी के आकार की दिखें. ठीक है, कॉम्ब के आकार की. तो टीनोफोरा आपका ये माइनर फाइला है. तो हम देखें फोर ब्लास्टोमियर अराइज बाय द टू मेरिडोनियल क्लीवेज. ठीक, तो सपोज आपका टीनोफोरा में ही हम देख रहे हैं मेरिडोनियल क्लीवेज में, तो सपोज ये आपका कोई एग है, तो इसमें जो दो क्लीवेज हुए शुरुआत के, ठीक है, वो मेरिडोनियल क्लीवेज हुए और आपका चार सेल इक्वल सेल का फॉर्मेशन हुआ. अगेन द थर्ड क्लीवेज इज वर्टिकल.
और यहीं पे जो तीसरा क्लीवेज हो गया, ठीक है, वो वर्टिकल हो गया एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ए कर्व प्लेट ऑफ 8 सेल, ठीक है। और इस चार सेल को अगर आप वर्टिकली कट कर दीजिए, तो वर्टिकल मैंने क्लीवेज में अभी आपको पीछे बताया कि वहाँ पे जो आपका क्लीवेज होगा वो एग को बाइसेक्ट तो करेगा दो भागों में, बट वहाँ पे आपका जो क्लीवेज होगा मीडियन एक्सिस से पास ना हो करके कुछ किनारे से पास हो जाएगा, ठीक है। और कुछ किनारे से पास होने की वजह से जो आपकी चार ये इक्वल सेल्स हैं, अब इन चारों इक्वल सेल को आप जब थोड़ा किनारे से कट करेंगे तो ये चार एट सेल का फॉर्मेशन हुआ, बट ये 8 सेल अरेंज हुए आपके चार ईच जो है रो में, ठीक है, मीन्स सॉरी 2 रो ऑफ 4 ईच सेल। तो बाइरेडियल क्लीवेज आपका टीनोफोर्स में पाया जाता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका जाइगोट है, जब इस जाइगोट में पहला और जो दूसरा क्लीवेज है वो आपका मेरिडोनियल होगा, और पहले और दूसरे मेरिडोनियल क्लीवेज से ये चार इक्वल आपके 4 सेल स्टेज 4 इक्वल ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा। और जो इसमें तीसरा मीन्स अब जो थर्ड क्लीवेज होगा, द थर्ड क्लीवेज इज वर्टिकल, ठीक है। तो सपोज करिए आपके यहाँ पे ये चार जो है सेल थे, स्फेरिकल सेल्स हैं, इनमें अब इन चारों में जब आपका वर्टिकल क्लीवेज होगा, ठीक है, वर्टिकल क्लीवेज में हम लोगों ने पढ़ा था जो मीडियन फरो होता है वो मिडिल से पास नहीं करता है, तो वो जो है आपके मिड एक्सिस से थोड़ा साइड में जो है पास करेगा। तो थोड़ा साइड में पास करने की वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 सेल से आपका 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें आपकी मिडिल सेल जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और साइड की सेल्स, ठीक है, अब जो है वो छोटी छोटी होंगी। यहाँ पे आपका 8 सेल्स जो है एक सीरीज में जो है लग जाएंगी, तो 2 रो की सीरीज पाई जाएगी जिसमें आपकी 4 4 सेल हैं। तो पहली रो ये हो गई, दूसरी रो आपकी ये, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से जब भी कभी यहाँ पे एनिमल को कट किया जाएगा तो ये हमेशा जो है आपके इक्वल पार्ट्स में कटेंगे, बट बाई रेडियल ओनली 2 टाइम्स, ठीक है। तो सो इट इज़ कॉल्ड बाइरेडियल सिमेट्री। आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें गैस्टुलेशन होगा, और गैस्टुलेशन के बाद ये सेल्स अरेंज होंगी, और अरेंज होने के बाद ये आपका सेडिपेट लार्वा है जो कि टीनोफोर का लार्वा होता है। इसमें ये जो आपकी सेल्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से अरेंज होती हैं एक कॉम्ब लाइक फैशन में, जिसको हम लोग इसी कॉम्ब प्लेट के फॉर्मेशन की वजह से इन एनिमल्स को हम लोग कॉम्ब जेली कहते हैं। तो स्पाइरल क्लीवेज भी अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये क्लीवेज आपका डायगोनल क्लीवेज होता है, ठीक है, मीन्स जो आपकी पहली 4 सेल का फॉर्मेशन होगा वो 4 सेल के बाद वो 4 सेल इस तरीके से डायगोनली मतलब एक एंगल में ये रोटेट हो जाती हैं, और रोटेट होने के बाद जो इनमें जब क्लीवेज होगा जो इस आपके स्पेंडल फाइबर्स बनेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो जो 2 सेल के बीच में, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल होगी उसका स्पेंडल फाइबर जो है वो नीचे वाली सेल के साथ बना होगा, और इधर की जो सेल होगी यहाँ पे जो अरेंज होगी उसका कुछ डायगोनली मीन्स कुछ मुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है सेल, जो डिवीजन होता है सेल का, वो इस तरीके से स्पाइरल्ड हो जाता है, ठीक, जिस तरीके से आपने घोंगा देखा होगा वो कुछ इस तरीके से घुमा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पहला क्लीवेज होगा वो इस तरह वो जो सेल्स होती हैं वो आपस में साइड बाय साइड अरेंज हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे अगर हम बात करेंगे इस तरीके से ऊपर नीचे ना अरेंज होकर के पहले बराबर में साइड बाय साइड अरेंज होती हैं, और साइड बाय साइड अरेंजमेंट की वजह से ये घूम जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल टू द पोलर एक्सिस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बीच में एक पोलर एक्सिस की, तो पोलर एक्सिस के में इन घुमाव आ जाता है। तो नेक्स्ट बाइलेटरल क्लीवेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आपका क्लीवेज होता है इसमें जो सेल होगी वो जो है आपकी, तो फर्स्ट जो 2 क्लीवेज होंगे उसमें आपका जो सेल का डिवीजन होगा, ब्लास्टोमियर आर अरेंज्ड लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ये कोई आपका एक एग था, एक से जो है कट करके 2 सेल का जो फॉर्मेशन हुआ, तो दोनों सेल आपकी राइट एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है, एक आप मान लीजिए ये सपोज इसको मैंने ये डॉटेड किया है, ये आपका लेफ्ट वाला साइड है,
तो वो उसके राइट साइड में, ठीक है, इस तरीके से बगल बगल में, एक लेफ्ट एक राइट में अरेंज होगी। तो जब इनमें आपका क्लीवेज होगा तो अगेन फिर वो उसके लेफ्ट में और दूसरा राइट में, तो इस तरीके का बिल्कुल इक्वल बराबर आपका जो क्लीवेज यहाँ पे हो रहा है, दोनों लेफ्ट वाली राइट वाली जो दोनों सेल है वो बिल्कुल इक्वल डिवाइडेड है। तो इस तरीके का जो आपका क्लीवेज है वो बायलेटरल सिमेट्री को ओरिजिन करता है, क्योंकि अगर आप अपने, ठीक है, आप अपने, हम लोग बात करें मैमल्स में, तो हम अपने ऊपर अगर किसी एक फरो को सेंट्रल एक्सिस से अगर हम किसी चीज़ को पास करें तो हमारी बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, हमारे दो इक्वल पार्ट में बिल्कुल आधे हमारे जो है ऑर्गन्स बिल्कुल आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके का पैटर्न आपका बाइलेटरल क्लीवेज कहलाता है। तो इस तरीके का पैटर्न आपका निमेटोडा, सिफेलोटोडा, मोलस्का, सम इकाइनोडर्म और ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज की। तो डिटर्मिनेट नाम से ही पता चल रहा है इसके कि जहां पे आपका ब्लास्टोमियर का फेट, ब्लास्टोमियर का भविष्य डिसाइड हो कि किस ब्लास्टोमियर से आपका बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनेगा, तो इस तरीके के क्लीवेज में आपका जहां पे बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज पर, मीन्स ब्लास्टुला स्टेज पर ही ये डिसाइड हो जाए कि किस ब्लास्टोमियर से आपका कौन से ऑर्गन की ओरिजिन होगी, तो इस तरीके का क्लीवेज आपका डिटर्मिनेट क्लीवेज कहलाता है। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज आपका मोलस्का, एनिलिडा, फ्लैटवर्म्स, निमेटोडा, टीनोफोरा और एस्केडियंस में पाया जाता है। और हम बात करें एक स्पेशल टाइप का बाइलेटरल क्लीवेज आपका एस्केरिस में पाया जाता है, जो कि आपका डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज, तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज की हम बात करें तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट मीन्स हमें डिटरमाइंड नहीं है आपका क्लीवेज स्टेज, मीन्स ब्लास्टुला स्टेज पे हम ये डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं, मीन्स यहाँ की जो सेल्स होंगी वो ये डिटरमाइंड नहीं कर सकती हैं कि आपका जो है ब्लास्टोमियर से कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। मीन्स यहाँ पे आपकी अगर ब्लास्टुला स्टेज पर कोई सेल इम्ब्रियो की अगर खराब हो जाए, हम बात करें एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दी जाए, तो भी आपके पूरे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आपका जो इम्ब्रियो होगा वो सेफ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर बने हैं उनका फेट डिसाइडेड नहीं है, उनका भविष्य डिसाइडेड नहीं है कि इस सेल से कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। बट जबकि हम लोग डिटर्मिनेट में बात करें कि यहाँ पे अगर ड्यूरिंग क्लीवेज किसी सेल का लॉस होता है या हम लोग इस किसी सेल को जो है हटा देते हैं, तो आपके इम्ब्रियो में वो ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा इन डिटर्मिनेट क्लीवेज, बट इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में ऐसा नहीं होता है। तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म्स, सीलेंट्रेटा, एम्फीबियंस, सी अर्चिन, बेलेनोग्लॉसस एंड मैमल्स में आपका इनडिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात करें, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ योग की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि योग के अमाउंट पर हम लोग क्लीवेज को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द फर्स्ट इज होलोब्लास्टिक और दूसरा आपका है मीरोब्लास्टिक। तो नाम से ही पता चल रहा है आपका होलोब्लास्टिक मीन्स ऐसे आपके एग जहां पे योग का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है, तो आपका टीरोलेसिथल एग या हम लोग बात करें आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एग जो होते हैं जहां पे योग का अमाउंट कम होता है, तो इस तरीके के जो है आपके एग में जो क्लीवेज फरो होगा वो एग को पूरी तरीके से जो है डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। मीन्स यहाँ पे आपका जो क्लीवेज फरो होता है वो एनिमल पोल्स वो पूरी तरीके से एग में पूरा सेंटर ऑफ एक्सिस से जो है पूरा कम्प्लीटली पास होता है, तो इस तरीके का क्लीवेज आपका होलोब्लास्टिक कहलाता है, मीन्स कंप्लीट क्लीवेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आपका ऐसे एग में पाया जाता है जहां पे आपका अमाउंट ऑफ योग ज्यादा होता है। का सेंट्रल एसिथल एग, डिस्कॉइडल एग, मैंने एग वाले वीडियो में आपको ये सब पढ़ाया हुआ है, माइक्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, डिस्कॉइडल, ठीक है, या सेंट्रल एसिथल जहां पे आपका योग का अमाउंट इतना ज्यादा हो कि आपका जो योग किनारे किनारे न्यूक्लियस आपका बीच में सेंटर में अरेंज है, ठीक है, एग के। दूसरा आपका डिस्कॉइडल मीन्स आपका योग का अमाउंट इतना ज्यादा है कि वो पूरा योग से ही एग कवर है,
केवल आपका डिस्क शेप में ऊपर आपका जो है वो जो इम्ब्रियो है वो पाया जा रहा है। तो इस तरीके का क्लीवेज में आपका जो क्लीवेज फरो होता है वो एग को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है, तो इस तरीके का आपका क्लीवेज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। तो नेक्स्ट हम लोग होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक के टाइप्स देखते हैं। क्योंकि होलोब्लास्टिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक आपका कंप्लीट जो है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, ये हम लोग बात करें अनकंप्लीट, ये आपका इक्वल होगा इक्वल, और दूसरा हम लोग बात करेंगे अनइक्वल। आपका जो कंप्लीट इक्वल क्लीवेज होगा वो माइक्रोलेसिथल और बात करें आइसोलेसिथल एग में पाया जाएगा, ठीक है। तो इट प्रेजेंट इन माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल टाइप ऑफ एग में। इसके एग्जांपल है आपके स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, इकाइनोडर्म्स, लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है, मार्सुपीलियन मैमल्स, एम्फीऑक्सिस। लोअर कॉर्डेट में भी बात करें तो आपका ट्यूनिकेट्स में जो एग होता है वो माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल टाइप का होता है, और वहां पे जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा वो आपका कंप्लीट इक्वल होगा। तो नेक्स्ट अनइक्वल क्लीवेज में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इस तरीके का जो आपका क्लीवेज है वो मीजोलेसिथल है या टीलोलेसिथल एग में पाया जाता है, ठीक है, जहां पे आपका मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है, मींस ना तो, जबकि यहाँ पे आपका जो योग का अमाउंट था वो बहुत कम था, माइक्रो या आइसोलेसिथल एग, ठीक है, बट यहाँ पे आपका जो योग का अमाउंट है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो डिवीजन होगा आपका यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर बनेंगे डिवीजन के बाद वो छोटे बड़े बनेंगे, ठीक है, कोई आपका बड़ा सेल होगा कोई छोटा होगा, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट एक बराबर ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है तो होलोब्लास्टिक, मीन्स आपका जो सेल बन रही है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, बट यहाँ पे आपका इक्वल और अनइक्वल में फर्दर ये डिवाइडेड हो गया। तो मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल में आपका अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। का साइक्लोस्टोमेटा, मुलस्का, डिप्लोई, एम्फीबिया, जो है आपका सिफेलोपोडा, और बात करें आपका इलेस्मोब्रांक, मीन्स आपके जो है वो कॉन्ड्रिक्थिस जो फिशेज होती हैं उसमें आपका अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक सेल कहलाएगी माइक्रोमियर और दूसरी सेल आपकी कहलाएगी मैक्रोमियर। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका मीरोब्लास्टिक, मीन्स आपका यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो योक ऑफ अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। तो मैक्रोलेसिथल और पॉलीलेसिथल एग में आपका जो है वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका आपका सुपरफिशियल क्लीवेज। तो सुपरफिशियल मीन्स आपका ऊपर ऊपर, ठीक है, मीन्स बाहरी कुछ यहाँ पे बाहर की तरफ लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके का जो क्लीवेज है आपका सेंट्रोलेसिथल एग में पाया जाता है, और सेंट्रोलेसिथल एग आपका इंसेक्ट और ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। तो एक फिगर से हम लोग देखेंगे कि पहले आपका जो न्यूक्लियस होगा वो कहीं एग के बीचों बीच अरेंज होगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। बिगिनिंग में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका सिनकैरियन है, मीन्स जिसका ऐसा न्यूक्लियस जिसका डिवीजन होना होता है सिनकैरियन, वो बीच में जो है आपका मौजूद होता है, बट जैसे ही यहाँ पे डिवाइड होते हैं और ये एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनते हैं तो ये थोड़े थोड़े अपने जो है साइटोप्लाज्म को लेकर के छोटी छोटी सेल इस तरीके से चारों तरफ, ठीक है, जा करके पेरीफेरी में न्यूक्लियस और थोड़ा थोड़ा साथ में साइटोप्लाज्म तरीके से पेरीफेरी पे जा करके अरेंज हो जाता है, और फिर अगेन ये पेरीफेरल वॉल के साथ ही, ठीक है, ये अपनी वॉल के साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और एक सुपरफिशियल लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके का क्लीवेज आपका सुपरफिशियल क्लीवेज कहलाता है। तो ये आपका इंसेक्ट और ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका तो डिस्कॉइडल, नाम से ही आपका पता चल रहा है, मींस कि डिस्क शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जाइगोट होता है, मींस आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एक डिस्क के शेप पर बिल्कुल ऊपर एनिमल पोल पर सिचुएटेड होता है। तो इस तरीके का एग आपका डिस्कॉइडल एग भी कहलाता है। हम लोग देखेंगे इस तरीके से एग में नीचे आपका पूरा साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पे न्यूक्लियस एक डिस्क शेप में, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में एक डिस्क शेप में आपका प्रेजेंट
होगा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो डिवीजन होगा, ठीक है, मीन्स जो क्लीवेज होगा वो केवल बिल्कुल एक डिस्क में ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे एक पानी की बॉल में ऊपर, जैसे आप एक पूल पे पानी से भरे हुए किसी तालाब में केवल एक ऊपर कोई चीज तैरा दीजिए, तो वो ऊपर तैरती हुई चीज में केवल डिवीजन होगा, बाकी जो अंदर ये योग भरा हुआ है योग बिल्कुल अनटच्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लीवेज जो हो गया वो आपका कंप्लीट क्लीवेज नहीं हुआ, ठीक है, इनकम्प्लीट क्लीवेज है। तो इस तरीके का क्लीवेज आपका मैक्रोलेसिथल एग में पाया जाता है, इलेस्मोब्रांक, बोनी फिशेस, बर्ड, रेप्टाइल और आपके मैमल जो एग लेइंग मैमल होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है, मीन्स प्रोटोथीरियंस में। वीडियो में हम लोगों ने क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, पैटर्न ऑफ क्लीवेज के बारे में पढ़ा। तो पार्ट टू में हम लोग मोरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन को डिटेल में देखेंगे।